गणतंत्र दिवस के अवसर पर दशहरा मैदान पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस की सुबह ठीक 9 बजे मुख्य अतिथि जीतू पटवारी का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ। परेड द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया गया और पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। मुख्य अतिथि जीतू पटवारी ने कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ परेड का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि जीतू पटवारी द्वारा गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन किया गया। कार्य करने में के संबंध में कोई संदेह हो तब एक कसौटी आजमाना चाहिए। अब तभी है जब समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को उससे लाभ हो। गांधी जी की इस भावना को साकार करने के लिए सरकार विजन टू डिलीवरी रोड मैप 2020-25 बनाए। विभिन्न प्लाटून द्वारा आकर्षक वेशभूषा और देशभक्ति के जज्बे के साथ मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। मार्च पास्ट के बाद मुख्य अतिथि द्वारा सभी परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि जीतू पटवारी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शॉल श्रीफल और फूलमाला भेंट कर सम्मान किया गया। परेड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर शुरू हुआ, जिसमें सर्वप्रथम सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल द्वारा व्यायाम का प्रदर्शन किया गया। उसके बाद अक्षत इंटरनेशनल स्कूल एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मलखम एवं योग का प्रदर्शन किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर ऋषिनगर के छात्रों ने देशभक्ति पूर्ण जलियांवाला बाग पर नृत्य प्रस्तुत किया। कृष्ण ज्योति स्कूल के बच्चों ने नारी शक्ति पर आधारित नृत्य गीत की प्रस्तुति दी। स्टैनफोर्ड स्कूल के बच्चों की तरफ से स्वच्छता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। ज्ञानसागर एकेडमी देवास रोड की तरफ से फिट इंडिया पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। मुख्य समारोह में स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, नगर निगम, वन विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, जिला पंचायत, केंद्रीय जेल, उज्जैन विकास प्राधिकरण, पीएचई तथा जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र द्वारा अपनी योजनाओं पर आधारित मनोरम झांकियां निकाली गयी। झांकियों में केंद्रीय जेल की झांकी को प्रथम, जिला पंचायत की झांकी को द्वितीय तथा जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र की झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। वहीं शासकीय सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को मुख्य अतिथि श्री जीतू पटवारी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकी एवं परेड के कमांडरों को भी पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पद्मजा रघुवंशी एवं सुदर्शन आयचित द्वारा किया गया। इसके बाद शने शने आगे बढ़िए। एनसीसी 2 एमपीआरटी बैठी उत्कृष्ट विद्यालय कुलदीप देवड़ा के नेतृत्व में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में आज पूरे देश में जिस भाव को मैं मानता हूं कि एक एक देश का नागरिक जिसने किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, जब वो अपने धार्मिक ग्रंथ के प्रति आस्था रखता है, उससे ज़्यादा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान की उस पुस्तक को, उस ग्रंथ के प्रति इससे ज़्यादा आस्था रखता है। इस भावना के साथ पूरे वर्ष भर हमारे आने वाले बच्चों को संविधान के प्रति एक सकारात्मक भाव से, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और साथ ही साथ एक वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का आभास मैं मानता हूं कि होता है, इसी कारण से गणतंत्र को हम इतने धूमधाम से मनाते हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, उज्जैन वासियों को और पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।